उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है, जहां रेप के आरोप में बंद कैदी ने जेल में फांसी लगा ली है। डासना जेल में रेप के आरोपी ने फांसी लगाई है और मृतक के पास से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला है। परिजनों ने चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो डासना जेल में रेप के आरोपी ने फांसी जो है वो लगा ली है। 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। हालांकि परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चौकी इंचार्ज इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है, जहाँ डासना जेल में रेप के आरोपी ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरे मामले में परिजनों की तरफ से चौकी इंचार्ज पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां रेप के आरोपी ने आपको बता दूं फांसी लगा लिया है। बड़ी खबर एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बुलंदशहर के 16 वर्षीय शिवम ने डासना जिला कारागार के पुस्तकालय में बिजली के तार से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। बुलंदशहर का रहने वाला शिवम, आपको बता दे, रेप के मामले में जो है डासना जेल में बंद था। पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज था और 10 सितंबर को जेल भेजा गया था। परिजनों का आरोप है कि पिलखुआ थाना क्षेत्र के चौकी के दरोगा की प्रताड़ना से आहत होकर उसने जान दे दी है और पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही जो सच है वो सामने आएगा।